हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS के बारे में दोस्तों, जो 40,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकल के आई हैं और इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। बट फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं उसका ध्यान रखिए, क्योंकि यह जो है पिछले साल बहुत सारे लड़कों ने किया था और उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था, बट आने के बाद भी उन लोग का DV में रिजेक्ट कर दिया गया था। उन लोगों को DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि देखिए आज हम लोग दो टॉपिक बात करने वाले हैं। एक होगा अदर स्टेट में अप्लाई अगर करते समय आप क्या मिस्टेक करते हैं, और दूसरा कि सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज करते समय, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले ऑप्शन पे कि अदर स्टेट में अप्लाई करते समय आपको क्या यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं, जान ऐसे मान लीजिए कि जिस स्टेट में अप्लाई करते हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्योंकि DB के समय आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपको नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे पिछले साल बहुत बच्चों के साथ हुआ, बहुत बच्चों ने रिजेक्ट हुए थे इससे पहले, जब से वैकेंसी आ रही है। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो इतना याद रखें कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, नहीं तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं अगर गुजरात में अप्लाई करता हूँ तो मुझे गुजराती नहीं आती है और मुझे वहाँ पर DV के समय गुजराती बोल के दिखानी पड़ेगी तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। अगर मैं कहीं केरला में अप्लाई करता हूं तो आप लोग जानते हो उधर, मतलब जिस स्टेट में अप्लाई करूं उस स्टेट की भाषा मुझे आनी चाहिए, जिस राज्य में अप्लाई करूं उस राज्य की भाषा मुझे अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय ऐसा गलती कर दिया है तो दोस्तों आप वेट करिए, करेक्शन का डेट जैसे आता है आप लोग उसे सही कर लें, अपना स्टेट चेंज कर लें अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई किए हैं तो। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज करने के लिए आ रहा है। जैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे चूज करने के लिए 5 या 6 सब्जेक्ट आता है। तो जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, ध्यान सुनिए कि जो ऊपर 5 या 6 चूज कर रहे हैं, नीचे एक मैंडेटरी आता है उसमें उसको ना लिखें, यही है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय ऊपर के 5-6 सब्जेक्ट जो है उसको मैंडेटरी में नहीं डालना है, अगर आप जो मैंडेटरी में डाल रहे हैं उस ऊपर वाले में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे याद रखिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको करना है, तो अगर मान लीजिए कि आप 5 सब्जेक्ट ऐसे ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आर्ट ले लेते हैं और साइंस ले लेते हैं, तो अगर 5 सब्जेक्ट को ऊपर अगर हम लोग डाल दिए तो नीचे जो चेक बॉक्स आता है और वहाँ पे मैंडेटरी दिया होता है, तो वहाँ पे क्या करें कि इन 5 सब्जेक्ट के अलावा अब आपको डालना है। अगर ये 5 सब्जेक्ट वहाँ पे दिख रहे हैं तो नहीं डालना है, ऐसा ही करके। और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि जिस स्टेट में अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर UP के बच्चे महाराष्ट्र में अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को मराठी नहीं आती है। गुजरात में अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे ही आप वहाँ अप्लाई करिए जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती है, नहीं तो आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों बस बात इतना ही था, जाते जाते जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को डेली एक अच्छी वीडियो मिले। तो धन्यवाद।